अपने दिलों की धड़कनों को थाम के रखिए, क्योंकि भाईजान आ रहे हैं हम सब से मिलने के लिए 15 जून 2018 को। जी हां दोस्तों, सलमान खान ने ट्विटर के जरिए एक इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, जहां पर उन्होंने अपने रेस 3 के कैरेक्टर सिकंदर को इंट्रोड्यूस किया है। भाई और भाईजान बहुत ज्यादा डैपर लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं और एक अलग मिस्ट्री लुक आ रहा है उनका। बता दूं आपको, नीचे आप अगर ध्यान से देखेंगे रेस 3 लिखा है और 15 जून 2018 लिखा है, यानी कि 15 जून को हम देखेंगे रेस 3। ये भाईजान ने ये भी बोला है कि मैं इस हफ्ते, यानी कि ये जो हफ्ता चलेगा, एक एक करके सारे फैमिली मेंबर से मिलाऊंगा। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सलमान खान की फैमिली में उनके सिबलिंग्स कौन कौन होंगे, या फिर उनके जो भी मतलब रिलेटिव होंगे, सब चीज को इंट्रोड्यूस कराएंगे वो अपने ट्विटर के जरिए। दोस्तों आपको अगर बता दूं, आपको ये लुक देखना है तो सलमान खान के ट्विटर अकाउंट में जाइए और वहां पर देखिए, जहां पर उन्होंने लिखा है पर्टिकुलर कैरेक्टर का नाम, वो कैरेक्टर जो परफॉर्म कर रहे हैं वो है सिकंदर, जो कि है सेल्फलेस ओवर सेल्फिश, स्वार्थ रहित है, स्वार्थी नहीं है, स्वार्थ रहित है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन आपका, मुझे बताएं आपने ये लुक देखा कि नहीं, और 15 जून को फिल्म हो रही है रिलीज, इसके लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन आपका है भैया, बताओ फटाफट यार, थोड़ा सा रेस 3 में एंट्री करो आप भी, मतलब रेस करो आप भी और कमेंट करो, कमेंट सेक्शन आपका। एंड फॉर मोर फिल्मी अपडेट्स वॉच चैनल फिल्मी आरा विद मी राहुल बोझ, रेस 3। तीन बैक टू बैक सॉन्ग रिलीज के बाद अब टाइगर श्रॉफ और दिशा पटनी स्टारर बागी 2 के मेकर्स लाए हैं इस फिल्म से सबसे सिंटिलेटिंग नंबर। जी हाँ, माधुरी दीक्षित के आइकॉनिक नंबर 1, 2, 3 के रिवैम्प्ड वर्जन को किया गया रिलीज, जहाँ श्रेया घोषाल की सुरीली आवाज के साथ जैकलिन फर्नांडिस की अदाओं ने सीधा दर्शकों के दिल पर वार किया। वैसे ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के जूते में फिट बैठने के लिए जैकलिन ने काफी मेहनत की है। अब बात करते हैं इस फिल्म की। डायरेक्टर अहमद खान के निर्देशन में बनी फिल्म बागी 2 30 मार्च को बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है, जहां टाइगर और दिशा के अलावा मनोज बाजपेयी, रणदीप हुड्डा और प्रतीक बब्बर मुख्य किरदारों में दिखाई देंगे। तो दोस्तों, नए जमाने के ये 1, 2, 3 की गिनती आपको कैसी लगी, हमें अपने विचार बताइए नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में, और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ।